गाइस आज हम माइनक्राफ्ट खेल रहे हैं एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पर स्टोन हमें देगा ओपी आइटम्स। तो शुरू से मुझे सिर्फ एक ही काम करना है, एक पिकेक्स बनाना है और कूद जाना है जहाँ पर स्टोन है वहाँ पर और आइटम्स को कलेक्ट करना है। बेसिकली अपना गोल होगा कि हम एंडर ड्रैगन को मार सके। और सबसे पहले एक क्राफ्टिंग टेबल बनाते हैं जो हर वक्त काम आएगा हमारा। और एक क्राफ्टिंग टेबल, एक स्टिक्स मतलब 4 स्टिक्स बना लिया। और अब तो दो पिकस बन जाएगा मेरे से, एक बनाते हैं और इसको भी हाथ से धोते बिकॉज एक्स की ज़रूरत नहीं है, एक्स लेके क्या ही फ़ायदा अभी। और इसको ले लेते हैं अपनी जेब में और चलो हम नीचे चलते हैं। इधर एक सीप है, क्या सीप को मारूं मैं? चलो मारने की ट्राई करते हैं सीप को। और ये सीप नहीं मरा, हम नीचे गिर गए, अब ऊपर जाने का कोई इच्छा नहीं मुझे। और चलो अभी स्टोन धोते हैं, मैं थोड़ा आगे जाता हूँ अभी। इधर नीचे भी है बहुत सारा लेकिन वुडन पिकेक्स है और पानी के नीचे है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नीचे का स्टोन तोड़ने के लिए। तो मैं इस वाले डर्ट को तोड़ता हूँ सबसे पहले और इधर से ऊपर चल के उस साइड से स्टोन तोड़ना शुरू करते हैं। और मैं 10-12 स्टोन तोड़ूंगा तो मेरे इन्वेंट 10-12 स्टोन तोड़ने से मिल ही जाएगा अच्छा खासा लूट। और ये चलो तोड़ना स्टार्ट करते हैं। पहले में मिला एलाइट्रा नेदरराइट ब्लॉक और दूसरे में मिला हमें सवेल और ये अच्छा खासा एक डायमंड चेस्ट प्लेट, एकदम एक बहुत अच्छा एन्चेंटमेंट है इसमें। और इसको तोड़ते डायमंड ब्लॉक्स मिले, स्वॉर्ड मिला सामने, बूट मिले दो, एक नेदरराइट का चेस्ट प्लेट दिखा मुझे, इधर एक पोशन वोशन कुछ मिला है इधर से, इधर एक नेदरराइट का स्वॉर्ड मिला, टोटेम और पंडांग मिले बहुत सारे, डायमंड ब्लॉक्स मिले बहुत सारे, ये देखो सबल मिला फिर से, एक और एलाइट्रा मिल गया और डायमंड ब्लॉक्स में 36 डायमंड ब्लॉक्स हो चुके हैं मेरे पास। और ये देख रहे हो कितने सारे हैं, दो दो नेदरराइट चेस्ट प्लेट जो कि कोई काम का नहीं इसके सामने। तो चलो अभी बेकार चीज़ों को मैंने फेंक दिया है और मैं नीचे आ गया था नदी के बिकॉज यहाँ से मुझे फूड आइटम मिलेगा या शायद यही डायोडाइट होता है जिससे फूड आइटम मिलता है। मेरे ख्याल से इसको डायोडाइट ही कहते हैं। अगर आपको अगर पक्का पता हो तो कॉमेंट बॉक्स में बताना कि इसको क्या कहते हैं जिससे मुझे खाना मिला। मैं अभी ऊपर जाके दिखाता हूँ मेरे पास कितना खाना है। तो चलो इन्वेंटरी खोलते हैं। तो जैसे कि तुम लोग देख लो मेरे इन्वेंटरी में एक हेलमेट आ चुका था और ये 41 गोल्डन कैरेट है, नेदरराइट इंगट है और इनको सबको मैं इंगट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। यहाँ बड़े कुक्ड वेफ है और बहुत सारे टोटम वनडाइंग्स है मेरे पास और मेरे पास रॉकेट भी आ चुका है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं उड़ के चलता हूँ अपने डेस्टिनेशन में, मतलब मुझे एक विलेज चाहिए तो मैं विलेज ढूंढने के लिए जाता हूँ उड़ के। और ये देखो पहाड़ कितना बड़ा है भाई, इतना हाइट देख रहे हो, 120 ब्लॉक जैसा हाइट है इसका। और सामने ये स्नो वाला बायोम आ गया, बिल्कुल पसंद नहीं मुझे जो। और चलो यहाँ पर एक लैंड करके मैं दिखाता हूँ तुम्हें ये पहाड़ असल में कितना ऊंचा है। चलो सामने लैंड करते धीरे से यार, हाँ चलो धीरे से लैंड हो गया। पहली बार लाइफ में पहली बार मैंने एलाइट्रा को धीरे इतने धीरे लैंड किया। और ये देखो ये पहाड़ कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से, मतलब माइनक्राफ्ट का पहाड़ इतना सुंदर मैंने कभी नहीं देखा इसके पहले। और यहाँ पर चलो नीचे क्यों आ गया मैं, चलो ऊपर चलते हैं और अभी फिर से एलाइट्रा पकड़ते हैं। और चलो तो गाइस मैं एलाइट्रा पकड़ के आ ही रहा था एक विलेज की तलाश में, तो मुझे विलेज तो मिल गया सामने लेकिन उसके पीछे मुझे एक ऐसा जगह मिल गया जो कि भाई बहुत ज़्यादा सुंदर है, मतलब ऐसा बनावट है इसका देख के लग रहा है किसी ने इसको बनाया है ऐसे। और सामने है अपना अबैंडेड विलेज, मुझे बहुत दूर से ही दिख गया था ये अबैंडेड विलेज। और इसमें मेरे ख्याल से ज़ॉम्बी विलेज, देखो ज़ॉम्बी विलेज का नाम लिया और सामने सतन हाजिर हो गया, हमने इसको मारा, यहाँ पर सोते चलो। और देखो मॉन्स्टर है आसपास तो हम नहीं सो सकते तो बाहर चलते हैं और कहीं दूर जाके सोते हैं। और ये चलो थोड़ा बाहर आगे चलते हैं, यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रे है, ये मुझे स्लोनेस का इफेक्ट देंगे पक्का पक्का। हाँ देखो दे दिया, मुझे पता था भाई सुधरते नहीं ये कभी, मार खा के भी सुधरते नहीं, इसलिए मैं इनको मारना छोड़ चुका हूँ भाई। जो कभी ना सुधरे उनके पीछे वक्त बर्बाद करके क्या ही फायदा। और आगे चलो ये सामने वाली चोटी में जा करके सो जाते हैं और भाई एक्सीडेंट हो जाता था अभी अगर मैं घूमता नहीं सटीक वक्त पर। और उधर भी एक स्ट्रे है तो मैं कैरेट खाता हूँ और अभी यहाँ पर मैं बेड लगा के सो जाता हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा रात हो गई है, रात में चलना ठीक नहीं होता चाहे वो जितना भी अमीट हो। ये हम सो गए और अभी भी मेरे पास स्लोनेक्स का इफेक्ट लगा हुआ है भाई, कब जाएगा ये। तो हाँ फाइनली सोने के बाद मेरा स्लोनेक्स का इफेक्ट चला गया। और चलो थोड़ा और आगे चलते और मेरे पास आगे ही आ रहा तो मुझे ये बर्फ से जमा हुआ लेक मिला, इसके ऊपर पूरा बर्फ से जमा था तो मैं इसके नीचे आया एक्सप्लोर करने और मुझे यहाँ पर मिल गया बहुत सही चीज़ जिसका नाम है ग्रेनाइट। बस ग्रेनाइट एक ऐसा पत्थर है जिससे हमें ऑब्सीडियन मिलने का चांस था और इसलिए मैंने ग्रेनाइट तोड़ना स्टार्ट किया और मुझे एनविल बहुत कुछ मिला
ऑब्सीडियन मुझे दिखे नहीं थे, यहाँ पर एक ट्राइडेंट गिर गया था। मैंने सोचा इसको कलेक्ट करते हैं, तो मैंने अपना इन्वेंटरी खोला और सबको फेंकने लगा, तभी मुझे दिख गया ऑब्सीडियन 48। तो मैंने सोचा अब ट्राइडेंट की क्या जरूरत, एक काम करते चलो आज बिना अपने एंडर ड्रैगन के टावर्स को तोड़े एंडर ड्रैगन को मारते। तो मैं डायरेक्ट ऊपर आया और एंड पोर्टल क्या नेदर पोर्टल बना लिया, और एक स्मिथिंग टेबल भी बनाया मैंने, बिकॉज मैं अपने सारे टूल्स को अपग्रेड करने वाला था। और उसके बाद मैंने स्मिथिंग टेबल को प्लेस किया और अपने सारे टूल्स को अपग्रेड किया, और फाइनली जब मैं लाइट अप करने वाला था अपने पोर्टल को, तब एक स्ट्रे यहाँ पर आके मजे ले रहा था, तो मैंने इसको मारा और पोर्टल को करा लाइट अप। पोर्टल को लाइट अप करने के बाद उसके बाद मैं गया नेदर पोर्टल के अंदर और मैं देखना चाहता कि मेरा स्पॉन कैसी जगह पर हुआ। सबसे पहले मैंने देखा नेदर रैक, उसके बाद मुझे मेरा मैंने देखा वर्ब बायोम सामने। स्पॉन तो बहुत अच्छी जगह पर हुआ था मैं, बिकॉज मुझे एंडरबल्स की कमी नहीं होगी, अब ना ही मुझे ट्रेड करना पड़ेगा, इसलिए सिर्फ एंडरमैन को मारने ही मुझे मिल जाएगा, बिकॉज मेरे पास लूटिंग 3 की स्वर्ड है, तो अभी कोई पोर्शन नहीं। और मुझे एक बोट बना रहा था, बिकॉज एंडरमैन को बोट से मारना ज़्यादा इजी होता है मेरे ख्याल से, टेलीपोर्ट नहीं होते शायद वो बोट में, तो मैं इसलिए मैंने एक बोट बनाया, पता नहीं किस ख्याल में। मैं नॉर्मली भी मार सकता था उनको, और चलो और मैं आ ही रहा था एंडरमैन को मारने, और मुझे यहाँ पर फोर्ट्रेस मिल गया, क्या ही तो लक था मेरा। और मैंने सोचा चलो फोर्ट्रेस के ऊपर चलते, मैंने क्या किया इन्वेंटरी में बहुत सारे लॉग्स थे, तो मैंने उनको प्लैंक्स में कन्वर्ट किया, तो प्लैंक्स में कन्वर्ट करते जब मेरे पास 64 प्लैंक्स आ गए, प्लैंक्स हो गए, तो मैंने उसको लिया और मैं एक बार देखा ऊपर, और फिर से मैंने 64 प्लैंक्स को अपने इन्वेंट हाथ में लिया और मैं चला गया ऊपर। ऊपर आते ही एक विदर स्केलेटन ने अपने ऊपर अच्छा खासा स्वागत किया, अपना आधा हेल्थ उसने खा लिया, लेकिन हमने उसको एक ही बार में ढेर कर दिया एक काम चोर विदर स्केलेटन को। और फिर मैं अंदर आया और उसको हील करने लगा, तभी बहुत सारे ब्लेज आ गए मुझ पर अटैक करने, तो मैं यहाँ से निकला, यहाँ पर प्लैंक्स लगाए और एक प्लैंक तोड़ के मैं सारे ब्लेज को वन शॉट करने की कोशिश किया, लेकिन फिर से एक विद स्केलेटन आ गया था पीछे से, तो मैंने उसको मार दिया था। और मैं लगभग 8-9 ब्लेजेस मारे, और बिकॉज लूटिंग 3 मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहे थे, और आखिर में मैं नीचे आ गया फोर्ट्रेस से, और एंडरपल्स कलेक्ट किया और 12 एंडरपल्स और 17 ब्लेज रॉड के साथ मैंने डिसाइड किया कि मैं आऊँगा बाहर। और बाहर आते ही मैंने जब बनाया अपना आई एफ एंडर, तो आई एफ एंडर मुझे ले गया स्ट्रॉन्ग होल्ड में, और स्ट्रॉन्ग होल्ड था वही अबॉन्डेड विलेज के साइड में, तो मैं वहाँ पर आया और मैं डायरेक्टली आ गया एंड पोर्टल में, और मैं उस पार्ट को स्किप कर दिया हूँ। और आज मैं एंडर ड्रैगन को पहले ही बोल चुका हूँ कि मारूंगा विदाउट उसका टावर तोड़े हुए, तो चलो मारते हैं। तो अभी अपना एंडर ड्रैगन आ चुका है नीचे, और मेरे पास शार्पनेस 5 का स्वर्ड है, और ये देख रहे हो कितना ज्यादा डैमेज हुआ इसको। अब मैं ट्राई करूंगा स्माइट वाले एक्स से, तो चलो देखते हैं कितना डैमेज होगा। वैसे आप लोग बताना कमेंट में, बिकॉज मुझे ये नहीं पता कि स्माइट और शार्पनेस से कौन ड्रैगन को ज्यादा डैमेज करता है, मुझे ये नहीं पता। मुझे इतना पता है कि विदर को हम स्माइट से जल्दी मार सकते हैं, और अनडेड मॉब जो है उनको हम स्माइट से जल्दी मार सकते हैं। क्या ड्रैगन अनडेड मॉब है ये ही मुझे नहीं पता, तो जस्ट आप लोग बता देना, बिकॉज क्या ही बोलूँ मैं, कमेंट कर देना आपको अगर आपको पता है तो आप कमेंट करना। और देखो ड्रैगन का हेल्थ कितना कम हो गया, और ये बार बार जा रहा है रिजेनरेट करके आ रहा है, मैं इसे बार बार मार रहा हूँ, और अब फिर से आया है ये, इसको फिर से मारते। ये बहुत ज़्यादा हेल्थ लेकर आया था इस बार, और मैंने इसको वापस से मारा, ये बहुत कम हेल्थ में है, ये वापस से हेल्थ में हेल्थ पर आ गया, अभी भी 2 बार लगे मुझे इसे मारने में शायद से, और ये फिर से नीचे आया। चलो इसको मारते, क्या इस बार ख़त्म कर पाएंगे हम, क्या ख़त्म होगा ड्रैगन इस बार, ड्रैगन खत्म हो, हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, थोड़ा सा थोड़ा सा। तो गाइस फाइनली ड्रैगन को हमने कर दिया खत्म, वो भी और वो भी उसके एक भी एंड क्रिस्टल को ना तोड़े हुए। तो इसके लिए गाइस इस वीडियो का लाइक मैं रखता हूँ 7 लाइक्स, मतलब 7 लाइक्स, और गाइस हम 50 सब्सक्राइबर से बहुत ज्यादा करीब है। तो गाइस प्लीज जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया, जो भी बंदा नया, प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज ऐसे ही कंटेंट तुमको इस चैनल में मिलते रहेंगे, चाहे थोड़ा क्वालिटी खराब हो लेकिन शुरू शुरू में ऐसा होता है। तो अगर तुम लोग सपोर्ट करना चाहते हो तो करना, वरना और ही क्या ही बोल सकते हैं। अगर सपोर्ट नहीं करना चाहते फिर भी तुम्हें सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और हमें 50 सब्सक्राइबर्स तक इस महीने के एंड से पहले, इस महीने क्या 2 हफ्ते जाने से पहले तुम्हें हमें 50 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचाना है। देखते हैं क्या तुम कर पाओगे या नहीं, और कमेंट्स में मुझे बताना कि मुझे नेक्स्ट वीडियो में क्या करना चाहिए, बिकॉज मेरे बहुत सारे आइडियाज़ हैं मेरे पास, और तुम लोग भी बताना मुझे क्या करना चाहिए नया नया। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।